चलो कोई बात नहीं, 1 किलो गेहूं में 5-6 तो घुन लगता ही है, मान लेंगे वही घुन हो तुम लोग। चलो यहीं से बात करना था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे पहले इसका नाम बताओ। तुम ही दोनों बताओ नाम। क्लोरो प्रोपेन कौन सा? ये नाम जो लियो क्या IUPAC नेम है, कॉमन नेम है? गलत, सॉरी IUPAC सही है, कॉमन नेम बताओ। तुम तीनों कॉमन नेम हाँ, पीछे तीनों प्रोपाइल क्लोराइड। तुम तीनों प्रोपेनाइल क्लोराइड। तुम तीनों नहीं कॉमन नेम। क्यों प्रोपेनाइल, क्यों प्रोपेनाइल, क्या बोल रही हो? बोलो अब बोलो बोलो बोलो। लाइल लाइन प्रोपेलाइन क्लोराइड ऐसा कब पढ़ा दिए? क्या होता है, नाम क्या है? कोई बताना चाहेगा इसका नाम? एल्काइलीन है ये, तो क्या नाम होगा? प्रोपाइलीन और सीएल का, और IUPAC नेम रौनक सही बताया है, क्लोरो प्रोपेन। चलो प्रोपीन 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 प्रोपेन नहीं, प्रोपीन ही बोला था ना। अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड COOH। इसको दिखाते कैसे हैं, तो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ और एच। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन COOH ग्रुप एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड भी किसका डेरिवेटिव्स है? एल्केन का डेरिवेटिव्स है। एक एल्केन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और COOH को वहां पर जाकर के ऐड कर दिया जाएगा। ये सर नो, तो क्या हुआ है देखिए, ये भी कैसा है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड से जुड़ रहा है RH यानी एल्केन। यहाँ से इस H को क्या करना है, रिमूव करना है और COOH को ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा RCOOH। और इसको ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाए तो ऐसे बना सकते हैं RCOOH। R क्या क्या हो सकता है, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। दूसरा चीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप नॉट कंसीडर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। पहला मेंबर जो होगा वो एल्केन का डेरिवेटिव्स नहीं कहलाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एल्केन का डेरिवेटिव्स कहलाने के लिए कम से कम एक कार्बन तो जुड़ना चाहिए, तभी एल्केन का डेरिवेटिव्स कहलाएगा, क्योंकि एक कार्बन पे क्या बनता है, मिथ। अब जो ये COOH है, यहाँ पर अगर हम सिर्फ H भी लगा दे तो क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई कि नहीं हुई? तो क्या H एल्केन का पार्ट है? नहीं ना, H कहाँ से आ रहा होगा, बताए थे H2 से H निकल के आता है, यस और नो? तो ये हाइड्रोजन का डेरिवेटिव्स कहलाएगा। तो पहला मेंबर जो होगा, जैसे LDIHD में बताए थे कि फर्स्ट मेंबर जो होता है वो क्या होता है, एल्केन का डेरिवेटिव्स नहीं होता, उसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट मेंबर इज द नॉट पार्ट ऑफ एल्केन्स डेरिवेटिव्स, इट इज कॉल्ड, मतलब हाइड्रोजन एटम से आता है। हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो कितना हाइड्रोजन यहाँ बचेगा, एक,
और उस एक हाइड्रोजन को सी डबल ओ एच के साथ जोड़ दिए तो क्या बन गया, एच सी डबल ओ एच, और इसका नाम हो जाता है फॉर्मिक एसिड। वहां एच सी एच ओ था तो क्या नाम था, फॉर्मल डिहाइड, यहाँ एच सी डबल ओ एच है तो क्या नाम हो गया, फॉर्मिक एसिड। यानी एक कार्बन है तो फॉर्म लगाना है एल्डिहाइड वाले केस में और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में। एसिड है तो एक एसिड लगेगा और एल्डिहाइड है तो लास्ट में अल लग जाएगा या अल्डिहाइड लग जाएगा। क्लियर है, एच सी डबल ओ एच फॉर्मिक एसिड। कोई जनरल फॉर्मूला पूछे तो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, सी एन एच टू एन प्लस टू के बजाय क्या लिखेंगे, सी एन एच टू एन प्लस वन डॉट सी डबल ओ एच। देखिए कॉमन नेम कैसे करते हैं, ये ए है यहाँ पर एल्केनोइक एसिड और यहाँ पर क्या है एल्केनोइक एसिड, दोनों जगह क्या होता है कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होता है, लेकिन पहला दो क्या होता है थोड़ा सा अलग। ये पहला वाले का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, फॉर्मिक एसिड, और दूसरे वाले का एसिटिक एसिड। ठीक है, उसी तरह एक कार्बन है तो एक पे क्या आता है मीथ आता है तो मीथेनोइक एसिड, और दो पे क्या आता है ईथ आता है तो क्या नाम हो जाएगा इथेनोइक। यानी फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड एक बात है, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों एक बात है, बस एक कॉमन नेम है और एक उसका आईयूपीएसी नेम। अब यहाँ से दोनों सेम हो जाएगा, यहाँ पर दो और एक कितना कार्बन हो गए तो तीन कार्बन के लिए तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पर भी इसी तरह से सेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो ये अपना होमवर्क में कर लोगे ना, का नोट्स नहीं अपना नाम लिख लेना पढ़ते चला जाएगा। प्रोप के बाद ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नोनेनोइक एसिड और डेकेनोइक एसिड, ऐसा बनते चला जाएगा। ये सुनो पर ध्यान के रखना, अपना काम बस इन दोनों पर फोकस करना है, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है 99% टाइम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखे भाई, एकदम आसान है। सी डबल ओ एच का स्ट्रक्चर बताएं कैसे बनता है, ऐसे बनेगा और इसमें एक और क्या लगा देना है, सी डबल ओ एच है तो पहले सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और एच लगा दिए, और इसके पहले क्या लगाना है सी एच थ्री, तो ये लग गया। क्या मुश्किल है क्या स्ट्रक्चर, आ गया समझ में, बताओ इसका सी टू एच फाइव सी डबल ओ एच, तो दो बार सी, वन टू थ्री फोर और फाइव एच 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 और एच, और यहाँ पर क्या लग जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और ओ और सी थ्री एच सेवन, वन टू थ्री डबल बॉन्ड ओ, ओ और एच, एक दो तीन चार पाँच छः और बोलो क्लियर हुआ, तो पूरा अपना दसों का दस स्ट्रक्चर बना करके प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं अगला कंपाउंड का नाम क्या है, दोबारा हम आईयूपीएससी नहीं पढ़ाएंगे और दोबारा कॉमन नेम भी नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना है, यहीं पर जब चैप्टर शुरू करेंगे तो हम उस पार्ट को स्किप कर देंगे। ईथर का क्या कहानी है, ईथर किससे दिखाया जाता है, डबल बॉन्ड ओ से, यानी सबसे पहला ये मोनोवैलेंट होगा या बाईवैलेंट होगा, तो ये एक बाईवैलेंट होता है तो ये, और दूसरी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स दिस इज कॉल्ड दिस, ये किसका डेरिवेटिव से भाई अल्कोहल का, क्यों, देखो अल्कोहल क्या होता है आर ओ एच, तो यहाँ से अगर एक एच को हटा के और एक अल्काइल ग्रुप बना दे तो आर ओ आर बनेगा, नहीं बनेगा, यस और नो, और यही डबल बॉन्ड ओ क्या कहलाता है इथर। अगर मान लो तुम कहोगे कि एल्केन का क्यों नहीं है, तो एल्केन में क्या होगा जरा देखो, एल्केन में होगा सी एन एच टू एन प्लस में टू, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएं और यहाँ पर एक ऑक्सीजन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन हटाएं तो क्या होगा सी एन एच टू एन प्लस वन और डॉट में ओ, पर ये क्या सिंगल वैलेंट होता है मोनोवैलेंट होता है, नहीं कि बाईवैलेंट होता है, तो इसको दोनों साइड अल्काइल ग्रुप चाहिए, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप के लिए हम इसका कोई रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जरा सोचो R O और H, यहाँ से इस वाले H को हम रिमूव कर दें और इधर से एक कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये R O और बनेगा कि नहीं बनेगा, और R O R बनेगा तो इसको दो वैलेंसी मिल गया और ये किसके तरह बिहेव करने लगेगा ईथर के तरह। तो ध्यान क्या देना, अगर पूछ ले कि कीटो ईथर किसका डेरिवेटिव से, तो क्या जवाब रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड किसका है, एल्डिहाइड किसका है, ये सब किसका है एल्केन का है, पर ये डेरिवेटिव्स किसका अल्कोहल का। अब दो केस बनेगा यहाँ पर, दो केस क्या, ये जो दोनों साइड से R लगा हुआ है ये मे भी सेम हो सकता है, इधर भी सी एच थ्री इधर भी
इधर भी C2H5, इधर भी, और अलग अलग भी हो सकता है, इधर CH3 हो सकता है, उधर C2H5 हो सकता है, यही दो केस होगा ना, या तो सेम या तो अलग अलग। तो दोनों का अलग अलग तरह से नाम करते हैं। केस वन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन R इज इक्वल टू R डैश, यानी दोनों तरफ का जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या हो, सेम हो। इक्वल का मतलब डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है, ठीक है। कॉमन नेम कैसे करेंगे, और IUPAC, देखो कॉमन नेम में क्या लिखा हुआ है, डाई अल्काइल ईथर, और IUPAC में एलकॉक्सी एलके। तो पहले कॉमन नेम लिखते हैं भाई, देखो इधर भी CH3 है और इधर भी यही दिखा रहा है ना, R O और R, इस R के जगह पर भी CH3 और इस R के जगह पर भी, तो R और R दोनों इक्वल है, यस और नो। तो इसका नाम कैसे लेंगे, डाई अल्काइल, तो डाई तो लगेगा ही लगेगा, और अल्काइल के जगह पर कौन सा है, एक कार्बन का मतलब मिथ, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल, और ईथर का ईथर बन गया। क्या नाम होगा इसका, दूसरे वाले का, डाई इथाइल ईथर, यहां पर क्या नाम होगा, डाई प्रोपाइल ईथर, डाई ब्यूटाइल ईथर, डाई, आ गया समझ में। अब इसी का कॉमन नेम कैसे करते हैं, तो एलकॉक्सी एलकेन। तो अब ध्यान क्या देना है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक को एलकॉक्सी बनाना है, तो मीथ का एलकॉक्सी क्या बनेगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं, मीथ का क्या बन गया, और एलकेन एक को बना देना है एन, तो मीथ का क्या बन जाएगा, तो क्या हो गया, मिथॉक्सी। अगला का नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, अगला प्रोपॉक्सी, प्रो पेन, यस और नो, ऐसी होगा। यहाँ पे तो बहुत मजा आता है क्लास में, धड़ाधड़ बोल देते हैं, दो दिन के बाद भूल जाओगे, रिवीजन चाहिए, यस और नो, बिना रिवीजन के नहीं बता पाओगे, क्लियर। आगे चले, एक के समझ में आ गया इथर में, कि जब दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो किस तरह से नामकरण किया जाता है, कॉमन नेम और IUPAC में। नेक्स्ट थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखो एक तो तुमको ऐसे भी देखने को मिल सकता है CH3 होल ट्वाइस O, या यही चीज ऐसे लिखा हो सकता है CH3 O CH3, दोनों बात क्या है, सेम, क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर ही है, तो CH3 तो ऐसे बना दिए, बीच में क्या आ गया O, और फिर इधर से क्या आ गया CH3। ध्यान देना है स्ट्रक्चर बनाते समय, बस इतना, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए, यही सब बैलेंस कर देना है, सिंपल सा खेल हो जाएगा। इसका कैसे बनेगा भाई, ये या ये ऐसे लिखा हो, दोनों सेम बात है, ये दोनों इक्वल सेम चीजें हैं, कैसे होगा भाई, तो दो कार्बन इधर से, बीच में ऑक्सीजन, और दो कार्बन फिर इधर से, और दोनों तरफ क्या लगा दो, चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा के बैलेंस फुलफिल कर दो। इज इट क्लियर और नॉट, नेक्स्ट ये सब कर लेना बाद में। दूसरा केस क्या, जब R किसके बराबर ना हो, R डैश के बराबर ना हो, जैसे देखो इधर क्या लगा है और इधर क्या लग गया, तो अब तो बराबर नहीं रहा, तो अब कॉमन नेम कैसे करते हैं, देखो अल्काइल अल्काइल ईथर कैसे नाम लेंगे, और कैसे इसको देखना है, अल्फाबेटिकली, जैसे इसका नाम क्या हुआ, मिथ, और इसका नाम क्या हुआ, तो मिथ किससे शुरू हुआ, एम से, ईथ किससे शुरू हुआ, एम पहले या ई पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, और फिर लिख देंगे, क्लियर हुआ क्या, हाँ इसका सोच करके बताओ, ये प्रो पी से, ये मिथाइल एम से पहले, पी पहले एम, एम एन ओ पी पहले एम आता है, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल। और चलो अगला जिससे पूछेंगे वही बताएगा, निखिल यादव कहाँ है, निखिल भाई खड़े हो जाओ, तुमको हम बिहार टॉपर बना देंगे, समझा, टेंशन नहीं लो। अच्छा तो CBSE में बिहार टॉपर नहीं होता है क्या, जाहिल हो गया तुम भी प्रियांशु, हाँ जी बताइए इसका नाम क्या हो गया, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, इथाइल इथाइल मिथाइल प्रोपाइल
इथाइल मिथाइल प्रोपाइल क्या हो गया भाई? इथाइल, हाँ ये ईथ है और ये प्रोप है, ई ई से स्टार्ट हो रहा है इथाइल और प्रोपाइल पी से शुरू हो रहा है, तो पहले ई फिर पी, तो क्या नाम हो जाएगा? इथाइल, बैठ जाओ, प्रोपाइल इथर। अगला रौनक बताएगा, बैठे बैठे बताओ। हाँ ब्यूटाइल प्रोपाइल इथर, देखो कितना आसानी से समझ में आ गया, आगे बैठने का फायदा दिखा नहीं दिखा? तुम्हारी ये भलाई के लिए ना बोल रहे बहुआ, आगे बैठोगे तो फिर तुम्ही को भला होगा। अगला बताओ, तुम बताओ दोस्त, क्या नाम बताओ? इथाइल, हाँ पहले बी आएगा फिर ई आएगा, पहले गलती बोले थे फिर सही किए, क्या हो गया? बात ना है, कॉमन नेम लिखने आ गया। व्हेन आर इज इक्वल टू नॉट, आर नॉट इक्वल टू आर डैश का कॉमन नेम ऐसे लिखते हैं। आईयूपीएससी नेम क्या है देखो, वैसे ही पीछे वाले का भी क्या था फर्क, बस समझा रहा हूँ क्या है। देखो पीछे वाले का भी एलकॉक्सी एलकेन था जब आर बराबर आर डैश था, और यहाँ पर जब आर इक्वल टू आर डैश नहीं है फिर भी नाम कैसा है? पर एक बात क्या लिखा हुआ है, लाइटर टेकन, जो हल्का होगा उसको ऑक्सी बनाना है। जैसे ईथ और मीथ में हल्का कौन होगा, क्योंकि वहाँ एक कार्बन तीन हाइड्रोजन है, या दो कार्बन पांच हाइड्रोजन है, तो भारी कौन होगा? इथाइल। हल्का कौन होगा? तो मीथ को ऑक्सी लगा देना है, तो क्या नाम हो जाएगा? मीथॉक्सी। और ईथ है तो इथेन। वहां पर ऐसा परेशानी क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि दोनों सेम था, मिथॉक्सी मीथेन बोलो को पता थोड़ी चल रहा है, पक्का? अच्छा अगला बताइए, अगला क्या होगा? मिथॉक्सी, वेरी गुड, नेक्स्ट इथॉक्सी, नेक्स्ट प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से हम ईथर का नामकरण करते हैं जब ईथर का दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम ना हो। डन, चलो स्ट्रक्चर ही बना दो। स्ट्रक्चर क्या सिखाए इसमें, CH3 को ऐसे लिख दो O, और C2H5 को ऐसे, हो जाएगा ना? स्ट्रक्चर तो कोई बड़ा डील नहीं है अपना कर लेने का। ईथर के बाद क्या है? कीटोन, कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कार्बोनिल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड विच टू सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन। यानी यहाँ पर भी सिंपल सा फंडा है, वो फंडा क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ भी बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। बाईवेलेंट मतलब जो बीच में लगेगा, साइड में, और बीच में लगने का मतलब एक इधर से आर ग्रुप लगेगा और एक इधर से आर ग्रुप लगेगा, जैसे अभी इथर में हो रहा था। और दो केस बनेगा, आर इज इक्वल टू आर डैश और दूसरा आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश। अब सवाल ये है कि ये किसका डेरिवेटिव कंसीडर किया जाए, सोचो थोड़ा, खुद से अकल लगाओ। देखो जैसे ऐसे लिखा हुआ है आर सी एच टू आर, ये क्या है? एल्केन ही तो है। आर के जगह पे मान लो सी एच थ्री होता और यहाँ पर भी सी एच थ्री होता तो क्या हो जाता? सी थ्री एच एट, सी थ्री एच एट क्या होता है? प्रोपेन, एल्केन का ही तो पार्ट है ना। तो मान लेते हैं कि ये अपना जो है क्या है, एल्केन है, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन को अगर हटा के यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो क्या वो कीटोन बनेगा? अगर यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और इस सी पर डबल बॉन्ड में ओ लगा दिया जाए तो क्या वो कीटोन बनेगा? तो बस, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस एच टू हो जाएगा और यहाँ पर किसका एडिशन हो जाएगा? ऑक्सीजन का, और क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, और ये क्या तैयार हो गया? तो ये कहाँ से बना? एल्केन से। इसलिए ये किसका डेरिवेटिव्स हुआ? तो देखो एल्केन के डेरिवेटिव्स में तीन को याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, याद, अल्कोहल चार हो गया, ठीक है। और कीटोन किसका डेरिवेटिव था, सॉरी ईथर किसका डेरिवेटिव था? अल्कोहल का, और कीटोन किसका है? एल्केन का। तो चार एल्केन का डेरिवेटिव्स और एक अल्कोहल का डेरिवेटिव्स। यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई परेशानी? अब वही वापस से कॉमन नेम और आईयूपीएसी।
तो कीटोन के लास्ट में क्या लगता है, ओन, ये भी समझना है। देखो बिहार बोर्ड में एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, समझो क्वेश्चन ऐसे रहता है, ऐसे लिखा रहेगा मिथेनल और बोलेगा इन दिस कंपाउंड विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ बस बिहार बोर्ड हो गए तुम, बिहार बोर्ड। मिथेनल लिखा हुआ है तो नल का मतलब यहाँ से क्या निकल के आया, अल, और अल का मतलब एल्डिहाइड, और ऑप्शन में आपको सी एच ओ भी दिखा मिल सकता है, आपको एल्डिहाइड लिखा हुआ भी मिल सकता है, या ऐसे भी मिल सकता है, सब बात क्या है एक बात। तो एक ऐसा क्वेश्चन रहता है। अब वहीं पर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए मिथेनोन, तो बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कीटोन का कैसा होता है भाई, सी डबल बॉन्ड हो तो कुछ भी लिखा हो सकता है, हैं? मिथेनोइक एसिड, तो कौन सा एसिड है उसमें, मिथेनॉल, तो क्या है वहां पर, अल्कोहल है। क्लियर हो रहा है, बोल दिया जाए मिथॉक्सी मीथेन, बोल दे कौन सा वहां पर फंक्शनल ग्रुप है, इथर। ऑक्सी कहाँ लगता है, इथर में। तो एक ये पैटर्न होता है क्वेश्चन का, तो इसको भी ध्यान रखना है, बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए नहीं। कॉमन नेम क्या है, डायलकाइल कीटोन, और आईयूपीएसी नेम है अल्के नोन। कब, जब आर किसके बराबर हो, तो सी एस थ्री होल ट्वाइस सी ओ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी एस थ्री, और दोनों बात क्या है सेम है, ये दो बार है तो होल ट्वाइस करके सी ओ लिख दिए। अब ये आर और ये आर दोनों क्या है, सेम है, तो बस सेम के लिए कोई टेंशन ही नहीं होता है। डाई और एक है तो क्या नाम हो गया, मीथ, तो डाई मिथाइल कीटोन, बात खत्म। और दोनों तरफ मिथाइल ही है तो मिथेल, मिथाइल का क्या बनेगा, मिथेन, और साथ में क्या लग जाएगा, ओन, तो क्या बन गया, मीथे नोन। समझ में आया क्या। दूसरा इसका नाम बताओ क्या होगा, डाई इथाइल कीटोन, और नाम इसका क्या हो जाएगा, इथे नोन। समझ में आया क्या, कोई परेशानी, चलो नेक्स्ट। जब आर, अच्छा अच्छा वही, और आगे कंटिन्यू किया गया, नाम इसका बताओ क्या होगा, लिख क्या होगा इसका नाम, डाइप्रोपाइल, डाइप्रोपाइल कीटोन, और यहाँ नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। डाइब्यूटाइल कीटोन, और यहाँ पर हो जाएगा किसका, उस पर भी समझा देते हैं। अच्छा चलो एक और तरह से इसका नाम कर सकते हैं, देखो भाई एक और तरह से नाम कर सकते हैं, जब आईयूपीएससी बताते तो हम क्लियर करते हैं, खैर कोई बात नहीं। कितना नंबर पर कीटोन लगा हुआ है, दो पे लगा है ना, तो आईयूपीएससी में पोजीशन भी मेंशन कर सकते हैं, तो एल्केनोन के पहले क्या लगा देंगे, यही लड़ाई था ना, और कोई दिक्कत, तो पोजीशन मेंशन कर देंगे, यस और नो, बीच में ही लगेगा ना, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट, ये सब स्ट्रक्चर बताना है कि आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, R इज नॉट इक्वल टू R डैश, इसका कहानी क्या है, देखिए अल्काइल अल्काइल कीटोन, वही खेल, क्या चेक करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दूसरा एलके नोन, तो सी एच थ्री सी टू एच फाइव, दोनों तरफ R सेम है, अलग अलग है, दोनों तरफ R अलग अलग है, यहाँ पर R इज नॉट इक्वल टू R डैश, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये मीथ है, पहले M या पहले E, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, क्लियर। और यहाँ क्या नाम होगा, आप सोच के बताओ मुझे, यहाँ पर क्या नाम होगा, लाइटर देखना है कि नहीं देखना है, सोच के बताओ ना मुझे, मैं तो फिर बताऊंगा। ये यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं था, किधर गया भाई, यहाँ पर
इसमें तो कोई परेशानी था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड R इज इक्वल टू क्या था, R डैश था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, R जो है R डैश के बराबर नहीं है। अब कैसे नामकरण करेंगे कोई बताएगा? हाँ, कार्बन्स ऐड कर, बताओ भाई पीछे से। खाली ऐसे हंसने के लिए आए हो कि बताने के लिए भी आए हो कुछ? तुम ही से बोल रहे हैं। हाँ, क्या नाम होगा, कैसे नामकरण होगा इसका? टोटल कार्बन काउंट कर लें। वेरी गुड। टोटल कार्बन कितना है बताइए? तीन कार्बन है, चार? कितना कार्बन है? चार पे क्या आता है, ब्यूटेन हो जाएगा नाम, ब्यूटेन। यहाँ दो, यहाँ एक और यहाँ एक, तो दो दो चार होता है, ठीक है ना? तो क्या हो गया, ब्यूटेनोन। अब यहाँ पर एक और काम क्या कर सकते हैं? हाँ वही बता रहे हैं यार, रुक जा। अब दूसरा काम क्या करना है, पोजीशन मेंशन करना है। तो कितने नंबर पर कीटोन है, काउंटिंग इस तरह से करते हैं कि उसको लीस्ट पोजीशन मिले। अगर हम इस तरफ से काउंट करेंगे तो दो और एक किसने पे आएगा, तीसरे पर आएगा। और इधर से काउंट करते हैं तो पहला के बाद दूसरे पर क्या आ गया, कीटोन आ गया। तो जिधर से लीस्ट काउंटिंग मिलेगा उधर से हम काउंट करते हैं। तो दो नंबर पर मिला तो इसके पहले क्या लगा देंगे, दो लगा। समझ में आ गया? इस तरह सबका लिख लोगे। नेक्स्ट, ये सब बात पर ध्यान नहीं देना है कि इन को ई को रिप्लेस करके वो ना गया, उतना कुछ नहीं। क्लियर हो गया कीटोन तक? डन है। कीटोन किसका डेरिवेटिव होता है? स्ट्रक्चर बना लोगे ना? चलो इसका नाम बता दो, हटाओ दोनों नाम, कॉमन नेम और आईपीएससी नेम बताओ जल्दी से। सब चुप रहो, बताओ आशीष, नींद आ रहा है ना, बताओ। मिथाइल, प्रोपाइल, उसके बाद प्रोपाइल इथाइल, उसके बाद कीटोन। पहले पी आता है कि पहले ई आता है? तो पहले ई बोलेगा ना। और उसका कॉमन नेम, आईयूपीएससी नेम, कौन सा, कितना नंबर पे हेक्सेनॉन? थ्री हेक्सेनॉन। वेरी गुड, सही बोला है ना, क्लियर। तो मेन बात अपना इतना था मोटा मोटा कि यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सा ग्रुप पढ़ लिए, हैलोजन यानी हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर भी काम पड़े हैं, ईथर, कीटोन, यही सब हुआ है ना। ये सब पूरा आपका चैप्टर पढ़ना है, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो एसिड क्लोराइड है इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो किधर है भाई, मिल जाओ। अच्छा इसके बाद नहीं है, अभी प्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल अपने पास ऑप्शन नहीं है, यही पढ़ते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है? कहीं किस्मत खराब हुआ तो पूछ दे तो अलग बात है, पर ये सब सिलेबस में है नहीं। तो हाँ, सिलेबस में है नहीं, कितनी बार बोलो, नहीं है। पर पूछ दिया तो केस करने जाएगा क्या? नहीं ना जाएगा, छोड़ देगा, छोड़ सकते हो या उसको कर सकते हो, यही दो ऑप्शन है ना। तीसरा तुम बोर्ड से लड़ाई करने थोड़ी चले जाओगे। चलो भाई देख लो इसको, एसिड क्लोराइड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कौन सा ग्रुप, COCl कॉल्ड एसिड क्लोराइड। इट इज कंसीडर एज डेरिवेटिव ऑफ, देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है R C डबल बॉन्ड O और OH, यहां से अगर हम OH को हटा करके Cl को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, R C डबल O Cl। यस और नो? यही COCl ही तो बनाना है ना। तो कहां से बना, किससे बना, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना, इसलिए इसका नाम किसका डेरिवेटिव कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कुछ नहीं है, नाम सबका एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा बैठ के आराम से रिवीजन करोगे ना समझ में आ जाएगा। जैसे कीटोन और ईथर का मिलता जुलता नाम है, अल्काइल अल्काइल ईथर, अल्काइल अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल कीटोन, एल्कोक्सी एल्केन एल्केनोन, यही था ना, सिंपल। दोनों में अल्फाबेटिकल चेक करना है, दोनों में लाइटर को समथिंग ऑक्सी लेना है, एक में ऑक्सी एक में सबको जोड़ देना है।
आराम से जब बैठ के रिवीजन करोगे तो चीजें आसान लगेंगी। नेक्स्ट भाई देखिए, कॉमन नेम आईयूपीएससी नेम बोथ आर सेम, नहीं पढ़ाए थे क्या ये पढ़ाए थे कि नहीं, है ना, पढ़ा हुआ सेम है कि अलग अलग है, सेम है। देखिए भाई, एल्केन ऑयल क्लोराइड और आईयूपीएससी नेम भी एल्केन ऑयल क्लोराइड, तो इसका नाम थोड़ा बता दोगे तुम, बताओ रंजीत निरंजन क्या नाम है, निरंजन हाँ बताओ, और इधर हाँ तो इधर क्या होगा, और माइल हैलाइड, बैठ जाओ, फॉर्माइल हैलाइड की जगह पर क्या है क्लोराइड, और यहाँ क्या होगा एक कार्बन है तो मिथेनॉइल क्लोराइड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, इसका नाम क्या होगा, शुरू का दो तो याद रखना ही रखना है, फिर बाकी सेम हो जाता है, एसिटाइल क्लोराइड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इथेनॉइल, बाकी तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोपेनॉइल, वो भी प्रोपेनॉइल, ब्यूटेनॉइल वो भी ब्यूटेनॉइल, बन गया। स्ट्रक्चर बनाना कोई इसका हार्ड है क्या, कुछ हार्ड नहीं है, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, बन गया स्ट्रक्चर, डन है। एसिड क्लोराइड ये थोड़ा सा काम देगा आपको, पूरी तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी तरह से इम्पोर्टेंट, पर 2-5% जो है जब अमाइन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये थोड़ा सा इस्तेमाल में आएगा, जब हम वुल्फ किशनर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा रिएक्शन का नेम रिएक्शन होता है, जब वुल्फ किशनर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो एसिड अमाइड का थोड़ा सा वहां पर रोल आएगा, तो कम से कम इतना याद कर लो कि एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और ये किसका डेरिवेटिव, बस इतना याद कर लो, बाकी तो नॉर्मल है। तो ये भी किसका डेरिवेटिव कहलाता है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ से OH को हटा करके सिर्फ क्या जोड़ना है NH2, NH2 क्या होता है अमाइन होता है, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया C डबल बॉन्ड O NH, देखो नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड चाहिए होता है, मिल गया, कार्बन को मिल गया, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब इसका नामकरण सीधा, दोनों में सेम एल्केनामाइड और एल्केनामाइड, तो क्या होगा पहले का नाम फॉर्मामाइड, क्या नाम होगा पहला का, और यहाँ मिथेना माइड, यहाँ क्या होगा एसिटा माइड, और यहाँ नाम क्या होगा इथेना, और उसके बाद से यहाँ से सबका सब क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, प्रोपेनामाइड प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड ब्यूटेन, कुछ हार्ड नहीं है, एल्डिहाइड में फॉर्म लगा के फॉर्मल्डिहाइड कर दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म लगा के फॉर्मिक एसिड कर दिए, पीछे फॉर्माइल क्लोराइड कर दिए, यहाँ फॉर्मामाइड कर दिए, सिंपल, कोई परेशानी का बात। स्ट्रक्चर बना लो भाई, सी एच थ्री, चलो सी एच थ्री ये रहा एच एच और एच और सी ओ एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, बन गया क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए यहीं तक है अपना, लास्ट वाला इसको बना लो, चलो हटाओ, हो जाएगा यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ इसके बाद बताओ थोड़ा और पढ़ा देते हैं, कौन सा है एस्टर है, अमाइन पढ़ लो, अमाइन पढ़ लो, या टाइप करवा के लाएंगे तब पढ़ाएंगे, लिख के बता दें, याद कल टाइप हो के आएगा तो कल पढ़ाएंगे, कितने लोग टाइप के साथ हाथ उठाइए,